नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरिओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। मित्रों, आज की वीडियो में जानेंगे रक्त पलाश कल्पक के बारे में, जिसके प्रयोग करने से व्यक्ति मृत्यु को जीत सकते हैं, इच्छानुसार जीवन यापन कर सकते हैं और शरीर में कई हाथियों के समान बल आ जाते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर के आखिरी तक के बने रहें। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम लोगों को पता होता है और बहुत ही कम लोग यूट्यूब में बताते हैं। जो भी मैं आप लोगों को जानकारी बताता हूँ, प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्रम में लिखी हुई जानकारी बताता हूँ, या फिर काकचंडीश्वर कल्प तंत्रम जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें लिखे जानकारी को आप लोगों को बताता हूँ। तो जो भी मैं जानकारी बताता हूँ शास्त्रोक्त होते हैं और प्रूफ किए हुए होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे रक्त पलाश कल्प लिखा है, स्क्रीनशॉट में देख लीजिए। ये जानकारी भगवान शंकर पार्वती को बता रहे हैं कि रक्त कल्प जो पलाश होते हैं लाल कलर के, उसके फायदे इस प्रकार से होते हैं, देवी जानिए। तो पताल पत्र में लेकर के पलाश वृक्ष का बीज और दो नीस का परिमित तेल उसी समान घी और मधुरस मिलाकर के इसका पान करना चाहिए, यानी कि खाना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। इसके एक माह प्रयोग से मनुष्य योगीराज नक्षत्रों को भी देखता है तथा देवताओं में वंदनी वह अनेक वर्षों तक जीवित रहता है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। इसके बाद ये देखिए, धूप में सुखाया हुआ है जो लाल कलर के देख सकते हैं पलाश, उसके पुष्प का सूक्ष्म चूर्ण दूध में सिंचित पात्र में 21 दिन तक रख करके बाद में अच्छे मुहूर्त में शिव जी के समीप में दूध मात्र का भक्षण करते, यानी कि खाते हुए सेवन करें तथा कांजी और अम्ल आदि का परहेज करें। 21 दिन में उसके कल्प से मनुष्य गगनचर यानी कि देवता हो जाता है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, देवता हो जाते हैं। और जो भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखे होते हैं वो तो झूठलाया नहीं जा सकता, और ये जानकारी स्वयं भगवान शंकर माता पार्वती को बता रहे हैं। और कहते हैं कि वज्र वज्र के सदृश हाथी के समान, वज्र के समान उनके शरीर हो जाते हैं, हाथी के समान बल और भीम के समान पराक्रम संपन्न, वार्धक्य और मृत्यु से रहित, कभी भी क्षय नहीं प्राप्त करते, यानी कि कभी भी मृत्यु नहीं होती, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये देखिए, और लास्ट में लिखा है कि उसके सेवन करने से मनुष्य अधिक समय तक जीवित रहता है, यानी कि लाल पलाश के सेवन करने से मनुष्य अधिक समय तक जीवित रहता है तथा कामदेव के समान कांति संपन्न होता है, ऐसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है। तो आज के बस जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ। जानकारी कैसा लगे मित्रों, यह प्राचीन ज्ञान की हमें जरूर बताना। धन्यवाद।